हेलो फ्रेंड्स, आज क्लास 10 के लिए लाइट का चैप्टर लेके आया हूँ। ये काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है कंसेप्ट की दृष्टि से, एग्जाम के प्रिपरेशन की दृष्टि से। अगर आप कंटिन्यू मेरे एपिसोड को देखने का काम करते हैं तो डेफिनेटली आपका कंसेप्ट बनेगा एंड यू कैन डू बेटर इन योर फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन। तो आइए लाइट की शुरुआत करते हैं। लाइट है क्या? अगर हम बात करें तो लाइट है क्या भाई? लाइट है ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। कैसे एनर्जी है भाई? क्यों, आप नहीं जानते हो क्या? लाइट का यूज होता है सोलर एनर्जी में। सोलर एनर्जी को हम लोग फिर कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सोलर कुकर का नाम सुना होगा। अरे वो एनर्जी का तो यूज कर रहे हैं हम लोग। तो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड सेकेंड, यह सेंसेशन पैदा करता है हमारे विजन के लिए, ताकि किसी वस्तु को देख सके। अगर लाइट है तभी हम किसी वस्तु को देख पाने में संभव है। और तीसरा, लाइट का हम कह रहे हैं डुअल नेचर। यह डुअल नेचर क्या है? यह लाइट का डुअल नेचर क्या है? तो एक हो गया पार्टिकल नेचर और दूसरा वेवी नेचर। ये पार्टिकल नेचर क्या है? आज ये प्रूव हो चुका है कि लाइट टिनी पार्टिकल्स का बना हुआ है, जिसको लोग फोटॉन्स कहते हैं। और ये अगर अब्जॉर्ब होता है या इमिटेड होता है कहीं भी, तो एज ए पार्टिकल। तो ये लाइट का पार्टिकल नेचर हो गया। और वे भी नेचर, लाइट अगर प्रोपेगेट करता है इन द फॉर्म ऑफ वेव, तो देखा हमने पार्टिकल नेचर का भी बात किया और वे भी नेचर का बात किया। अब आइए हम लोग कनकेव और कन्वेक्स मिरर दोनों का डायग्राम बना के इसके एक एक टर्म को क्लियर करते, एक एक टर्म को क्लियर करते हैं। व्हाट इज अपर्चर, व्हाट इज पोल, व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप ध्यान से देखो, सपोज करो अगर हम कनकेव या कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, तो ये एक स्फेरिकल मिरर का ही पार्ट है, एक स्फेरिकल मिरर का ही पार्ट। सपोज करो इसको दो भाग में बांट दो। हमने स्फेरिकल मिरर को दो पार्ट में बांट दिया और इस मिरर का इनर साइड को पेंट कर दो। अब यह फेस, बल्जिंग फेस जो है, यह क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कन्वेक्स मिरर। ये क्या कहलाएगा? कन्वेक्स मिरर कहलाएगा। और इस पोर्शन की बात करो तो चलो इसका आउटर फेस को पेंट कर दो, तो ये कौन सा मिरर कहलाएगा? ये कहलाएगा कनकेव मिरर। देखा, तो ये बात तो क्लियर है कि अगर कनकेव रहे या कन्वेक्स मिरर रहे, तो ये एक स्फेरिकल मिरर का ही पार्ट है। और जब स्फेरिकल मिरर का पार्ट है तो इसका एक सेंटर होगा, एक सेंटर होगा, इसका रेडियस होगा, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। आइए सेपरेट करके देखते हैं, हम डायग्राम्स बना के देखते हैं व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर,
वाड़ी रेडियस ऑफ कर्व है। सपोज करो ये मैंने बनाया कनकेव मिरर, कनकेव मिरर का नेचर क्या होता है? कन्वर्जिंग, ये कन्वर्स करता है। और इसका एक मिडिल पॉइंट से मैंने एक लाइन खींचा, तो ये जो पोर्शन अवेलेबल है हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो यहां से लेके यहां तक अवेलेबल है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही कहलाता है अपर्चर। हम अपर्चर किसको कहेंगे? अगर इसको मान लें ए और ये मिड पॉइंट कहलाएगा पी, इसको पोल कहेंगे और ये हो गया बी, तो ए पी बी इज कॉल्ड अपर्चर, ए पी बी इज कॉल्ड अपर्चर। मैंने कहा था ना ये स्फेरिकल मिरर का ही एक पार्ट है, तो डेफिनेटली इसका एक सेंटर होगा। तो चलो भाई ये इसका सेंटर है, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने कहा कि ये जो कनकेव मिरर है दिस इज ए पार्ट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, तो इसका एक सेंटर होगा ना, तो हमने सी पॉइंट को लिया, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट कहलाया पोल, जिसको पी से डिनोट करते हैं। और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो मिड पॉइंट होगा, दिस इज कॉल्ड फोकस। इसका मतलब फोकस क्या होता है? फोकस को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, तो ये इसका वैल्यू होता है R/2। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, तो तुम आराम से कह सकते हो सर फोकल लेंथ कितना होगा? 10 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है फोकल लेंथ। और कैसे निकालेंगे? तो एक काम करो, प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहेंगे? अगर बात आती है व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस, ए स्ट्रेट लाइन, ए स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, ए स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे ले लो, इंसिडेंट रे। चलो भाई एक इंसिडेंट रे ले लिया हम, जो क्या है? पैरेलल है। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे कुछ प्रिंसिपल, पढ़ेंगे बेसिक प्रिंसिपल्स। तो अगर आप कोई भी पैरेलल रे लेते हो प्रिंसिपल एक्सिस का, तो ये जब भी क्रॉस करेगा तो फोकस को काटते हुए निकल जाएगा। देखा हमको फोकस प्रिंसिपल, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। हमें फोकस मिल गया, प्रिंसिपल फोकस मिल गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल गया, पोल मिल गया। अब इसकी लंबाई मेजर कर लो तो जस्ट डबल होगा कौन? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हमने कनकेव मिरर को बना के एक्सप्लेन किया, आप देख सकते हो डायग्राम में मैंने कन्वेक्स मिरर का भी एक डायग्राम बनाया है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, पी सी, ए पी बी अपर्चर हो गया, एक पैरेलल रे लिया टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या ये डाइवर्ज कर गया, लेकिन ओरिजिनेट कहां से? अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस। तो ये किसका केस हो गया? कन्वेक्स मिरर का। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपने देखा, प्रिंसिपल एक्सिस का देखा, या प्रिंसिपल फोकस। मैंने कहा ना कि पैरेलल बीम कन्वर्ज एट ए पॉइंट। आप पैरेलल बीम ले लो और वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है,
उसी को तो कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। फोकल लेंथ हमने बताया था, द लेंथ बिटवीन पोल एंड फोकस, दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। अब आइए, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर? फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या संबंध है? तो अभी हमने कहा था ना कि एफ इज इक्वल टू आर बाय टू, एफ इज इक्वल टू, एफ क्या है सर? फोकल लेंथ। आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। कैसे प्रूव करोगे? तो एक कनकेव मिरर ले लो। क्या करते हैं हम? एक कनकेव मिरर ले लेते हैं और ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। लो एक पैरेलल रे ले लिया प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आपको तो पता है ना ये क्या करेगा, फोकस को काटते हुए निकलेगा। दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज एफ, दिस इज पी, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन हो गया? ये देखो। अब इस पॉइंट से इसको मिला दो, ये क्या है? ये नॉर्मल हो गया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जहां पे इंसिडेंस है इस पॉइंट पर अगर नॉर्मल खींचा तो ये क्या हो गया, और इसको हम इस पॉइंट को एम कह दिया। तो सी एम क्या हो गया? नॉर्मल। ओ एम क्या हो गया? इंसिडेंट रे। एम एफ क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड रे। तो ये तो आप जानते हो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है, दिस इज एंगल आई एंड दिस इज एंगल आर। एंगल आई क्या है? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। एंगल आर क्या है? द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। और आप जानते हो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो हम क्या कर रहे हैं? अब ध्यान दो, एंगल आई और एंगल आर तो बराबर है, तो ओ एम सी बराबर क्या हो जाएगा? एंगल ओ एम सी इज इक्वल टू एंगल सी एम एफ, सी एम एफ, क्योंकि एंगल आई बराबर एंगल आर है। अब मान लो ओ एम पैरेलल है पीसी का, प्रिंसिपल एक्सिस का, तो ये अल्टरनेट एंगल बराबर होगा ना, ये अल्टरनेट एंगल। अगर ये आई है तो ये भी क्या हो जाएगा? आई। ये क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा ना। और जब बेस एंगल दोनों का बराबर है तो ये दोनों भुजा भी क्या हो जाएंगे? दोनों बराबर हो जाएंगे ना। देखो तो ये दोनों साइड क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे ना, क्योंकि एंगल आर बराबर एंगल आई। तो ये दोनों बेस एंगल अगर बराबर है तो एम एफ बराबर क्या हो जाएगा? एफ सी। एम एफ बराबर क्या हो जाएगा? एफ सी होगा ना। ये क्लियर हुआ? एम एफ बराबर एफ सी। अब सपोज करिए कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंट वेरी नियर टू पोल, अगर एकदम पोल के नजदीक हो, फिर सब कब सपोज करो कि ये जो पॉइंट एम है ये तुम्हारा एकदम नजदीक आ जाए, पोल के नजदीक आ जाए, तो एम एफ इक्वल टू पी एफ होगा ना। एम एफ इक्वल टू पी एफ नहीं होगा? एम एफ इक्वल टू पी एफ होगा ना सर?
अब आइए पीसी को आप क्या लिखेंगे, पीसी को आप क्या लिखेंगे, ये दोनों के बीच के लेंथ को क्या लिखेंगे आप, पी एफ जोड़ एफ सी। पी एफ को अगर जोड़ दोगे प्लस करोगे एफ सी तो क्या बन जाएगा, पीसी बन जाएगा ना। और आप तो जानते हो पी सी इज इक्वल टू पी एफ, और एफ सी को क्या लिखा आपने, एम एफ। एफ सी को क्या किया, एम एफ, और एम एफ को क्या लिखा, पी एफ। हम एफ सी के बदले फिर लिख सकते हैं ना पी एफ, यहां ध्यान देने की जरूरत है। तो अब देखो तो ये क्या हो गया, पीसी को क्या मानते हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिस इज आर, और पीएफ को क्या बताया था मैंने, फोकल लेंथ, द लेंथ बिटवीन पोल एंड फोकस, एफ प्लस एफ। तो आर इज इक्वल टू टू एफ, तो एफ इज इक्वल टू आर बाय थ्री। क्लियर हुआ सर, यही सिद्ध करना था ना, क्या रिलेशन है फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर में। फिर से एक बार देख लो, रिवीजन कर रहा हूं। एक कन के मिरर लिया, पीसी इज ए प्रिंसिपल एक्सिस, ओ एम इज इंसिडेंट रे, आफ्टर रिफ्लेक्टेड इट कट्स प्रिंसिपल एक्सिस एट ए पॉइंट एफ। ऐसी को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस, सी इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ वहां पे मैंने एक नॉर्मल खींचा, और सी एम क्या है, सी एम इज नॉर्मल, सी एम क्या है, नॉर्मल है। तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, एंगल आई, और रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो नॉर्मल बनाता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल आर। यहां तक तो सही है। तो ओ एंगल ओ एम सी इज इक्वल टू एंगल सी एम एफ, सही है। अब यहां ये अगर सपोज करो ओ एम इज पैरेलल टू पी सी, तो अल्टरनेट एंगल बराबर होंगे, ये अगर आई है तो ये भी तो आई हो जाएगा। तो एक ट्रेंगल पे देखो तो सी एम एफ, ट्रेंगल सी एम एफ, सी एम एफ का दोनों बेस एंगल जो है, एंगल आई और एंगल आर दोनों बेस एंगल अगर बराबर है तो ये दोनों साइड भी क्या होंगे, बराबर। इसमें हमने क्या लिखा, एम एफ इज इक्वल टू एफ सी, देखो तो एम एफ इज इक्वल टू एफ सी। और मैंने कहा अगर कल्पना करो कि ये पॉइंट जो है इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, अगर ये पोल के नजदीक रहो, एकदम करीब रहे, तब तो जितना एम एफ इज इक्वल टू पी एफ होगा ना, जब एकदम कॉन्साइड कर जाए तो एम एफ इज इक्वल टू पी एफ होगा। चलो भाई हम पीसी को तो लिख ही सकते हैं ना, पी एफ प्लस एफ सी, ये तो हम लिख ही सकते हैं, पीसी इज इक्वल टू पी एफ प्लस एफ सी। फिर पीसी इज इक्वल टू पी एफ और एफ सी के बदले क्या लिखा हमने, पी एफ लिखा। कैसे लिखा भाई, तो आप तो जानते हो एफ सी इज इक्वल टू एम एफ एंड एम एफ इज इक्वल टू पी एफ, इसलिए एफ सी के बदले हमने क्या लिखा, पी एफ। तो पी सी क्या है, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, और पी एफ क्या है, फोकल लेंथ, तो एफ प्लस एफ, तो आर इज इक्वल टू टू एफ, तो एफ बराबर क्या हो गया आर बाई थ्री। देखा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर,
यही तो प्रूफ किया है हम, देखिए तो। और लास्ट में हमारा कितना आ गया, एफ इजकल टू आर बाय टू, सो रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ इट्स फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। अब हम लोग तो पढ़ने जा रहे हैं रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस, व्हाट आर द फंडामेंटल रूल्स। ये आप इमेज फॉर्मेशन में यूज कर सकते हो रे ऑफ लाइट कि इमेज फॉर्म कहां और कैसे करेगा, ये फिक्स है। तो आइए सबसे पहला रूल हम देखते हैं। हम एक कनकेव मिरर लिए, दिस इज ए कनकेव मिरर, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सेस, दिस इज पोल, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। एनी रे ऑफ लाइट, एनी रे ऑफ लाइट दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस, इट पासेस फ्रॉम फोकस। ये क्लियर है, नो डेविएशन, नो चेंजिंग एट ऑल। ये फंडामेंटल रूल की तरह कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, कोई भी रे, मैं एक नहीं सारे रे की बात कर रहा हूं, कि कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये फर्स्ट रूल हुआ। और ये सेकेंड रूल की बात करते हैं। सेकेंड रूल कहता है, सेकेंड रूल का कि अगर आप, ये हमारा हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे पास कराते हो तो जिस पाथवे पे वो रे आती है ठीक उसी पाथ पे वो रिटर्न करते हैं, चाहे आप इधर से रे लो, चलो मैंने इधर से रे ले लिया तो जिस रास्ते से जाएगी उसी रास्ते से लौट जाएगी, चलो मैंने ऊपर से लिया, देखिए जिस रास्ते से गई उसी रास्ते पे लौट गई। ये सेकंड प्रिंसिपल हो गया कि रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, उसी पाथ पे लौट जाएगा। और तीसरा, तीसरा हमने दिया दिस इज पोल एंड दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई रे फोकस से पास करे तब क्या होगा भाई, अभी तक ने हमने कहा था कि पैरेलल है तो फोकस को टच करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा तो उसी पाथवे पे लौट जाएगा। लेकिन अगर ये कहें कि फोकस से अगर कोई रे इंसिडेंट करे तब क्या होगा उसका, तो इट बिकम्स पैरेलल, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। आपने देखा व्हाट आर द कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस विद द हेल्प ऑफ रे ऑफ डायग्राम। तो तीन बातें मैंने कही, पहला मैंने कहा कि कोई रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होता है वो फोकस को टच करके पास करेगा। दूसरा मैंने कहा अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर को टच करके इंसिडेंट होता है तो उसी पाथवे पे लौट जाएगा। और तीसरा हमने कहा कि कोई रे ऑफ लाइट अगर फोकस से पास करता है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। आपने देखा, आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का कंसेप्ट क्या है। रियल इमेज
और वर्चुअल इमेज का कंसेप्ट क्या है? ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप दो पैरेलल रे ले लो, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो आपको तो पता है ना ये किसको छुएगा। देखा आपने, ये फोकस पे आके मिलेगा। तो एक्चुअल मीटिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड रे एट ए पॉइंट, एक्चुअल मीटिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड रे एट ए पॉइंट फॉर्म्स रियल इमेज। क्या बनाएगा सर? याद रखिएगा, रियल इमेज। और रियल इमेज ऑलवेज इन नेचर इनवर्टेड, उल्टा। जब भी रियल इमेज बनेगा, अगर आपका रियल इमेज बन रहा है तो ये उल्टा इमेज बनेगा, पैर ऊपर आपका सिर नीचे। कैंडल का अगर रियल इमेज बन रहा है जो आपने लोअर क्लासेस में देखा, तो क्या देखा आपने? रियल इमेज उसका फ्लेम नीचे की ओर बन रहा था और बेस कहां था? ऊपर की ओर। आइए वर्चुअल इमेज की बात करते हैं। वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन कैसे हो? तो भाई ये तो हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। आप इसमें भी ले लो दो पैरेलल रे। याद रखे, इधर तो पेंट किया हुआ है, इधर तो रे जाने का, रिफ्लेक्टेड रे को जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। फिर ये स्फेरिकल मिरर का अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है तो फोकस कहाँ होगा? इधर होगा ना, क्योंकि ये स्फेरिकल मिरर का पार्ट है, मैं बताया था ना, चाहे कनकेव हो या कन्वेक्स हो, सब स्फेरिकल मिरर के पार्ट हैं। इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा? लेफ्ट साइड। इसके लेफ्ट साइड होगा ना। अब आइए इसका इमेज कहां बनेगा, इसको डॉट डॉट करके दिखा रहे हैं। यहां रे आने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, रे तो भागेगा इधर और ये भागेगा इधर। आपका रिफ्लेक्शन या डाइवर्जिंग इन नेचर होता है। देखिए तो डाइवर्जिंग, ये कन्वर्जिंग था। कनकेव मिरर क्या है? कन्वर्जिंग। और कन्वेक्स मिरर क्या है? डाइवर्जिंग। तो भाई इमेज कहां बनेगा? अगर दोनों एक दूसरे के डाइवर्ज हो रहा है तो कहीं मीट करने का संभावना नहीं, कहीं पॉसिबिलिटी नहीं है, तो फिर इमेज कहां बनेगा? तो आप उस रे को वर्चुअल वर्चुअली इस पे मीट करो, इस पॉइंट पे इमेज बनेगा। जैसे प्लेन मिरर में तुम्हारा इमेज कहां बनता है? बैक ऑफ द मिरर, मिरर के पीछे। तो मिरर तो पीछे पेंट किया हुआ है, कभी सोचा तुमने वो इमेज कैसा है? वही इमेज कहलाता है वर्चुअल इमेज। क्या कहलाएगा? वर्चुअल इमेज। अब वर्चुअल इमेज का नेचर क्या होता है? ऑलवेज इरेक्ट। याद रहेगा, वर्चुअल इमेज क्या होता है? इरेक्ट। और रियल इमेज क्या होता है? इन्वर्टेड। आइए दोनों में डिफरेंस देखते हैं। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज? रियल इमेज और दूसरा वर्चुअल इमेज, दोनों में अंतर क्या है सर? व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस? तो एक्चुअल मीटिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, एक्चुअल मीटिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, जब रिफ्लेक्टेड रेज एक खास पॉइंट पे मिलते हैं तो हमारा रियल इमेज का निर्माण होता है। इन वर्चुअल रेज रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर्स टू बी मीटिंग, अपीयर्स टू बी
मीटिंग मिलता नहीं है, मिलता हुआ प्रतीत होता है। मिलता नहीं, मिलता हुआ प्रतीत होता है, तो क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज। रियल इमेज के बारे में दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था कि रियल जब भी होगा तो इनवर्टेड। ये क्या होगा? इनवर्टेड। और वर्चुअल जब भी होगा तो क्या होगा? इरेक्ट। थर्ड पॉइंट, आप इसको स्क्रीन पर उतार सकते हो, कैन बी ब्रॉट ऑन स्क्रीन, कैन बी ब्रॉट ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पर आप इस इमेज को देख सकते हो, लेकिन इसको कहां लगाओगे? पर्दा, तुम्हारे प्लेन मिरर में, तुम्हारे ऐनक में पीछे इमेज बन रहा था, पर्दा स्क्रीन कहां लगाओगे? ऐनक के पीछे तो क्या दिखाई देगा तुम्हें? तो वर्चुअल इमेज को कैन नॉट बी ब्रॉट ऑन स्क्रीन। इसका स्क्रीन पे प्राप्त नहीं कर सकते सर। देखा आपने रियल और वर्चुअल इमेज में व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस? अब आइए थोड़ा सा साइन कन्वेंशन हम लोग देख लेते हैं। हम लोग साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। साइन कन्वेंशन के लिए आप एक काम करो, ग्राफ खींचा है ना, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। कभी सोचा है आपने? तो आप डायग्राम में देख रहे हो, मैंने इस तरह से बनाया, इसको भी पॉजिटिव और इसको भी पॉजिटिव। मतलब इस साइड आप जितना भी लेंथ लोगे, ये लेंथ आप जहां भी लोगे, ये सब क्या होगा? पॉजिटिव। और ऊपर जितना भी लेंथ लोगे आप, ऊपर जितना भी लोगे, वो सब क्या होगा? पॉजिटिव। लेकिन यहां देखो तो इधर जो भी लेंथ लोगे निगेटिव, ये भी लोगे निगेटिव। इसका मतलब इस साइड आप जो भी लेंथ लेते हो वो क्या होगा? नेगेटिव। एंड डाउनवर्ड जो भी लेंथ लेते हो वो क्या होगा? नेगेटिव। यही तो है साइन कन्वेंशन। एकदम याद रखना है इसको, अच्छी तरह से याद रखना है कि अगर आप इस साइड में इस रे के, इस एक्स एक्सिस के पैरेलल जो भी रे लेते हो वो क्या होगा? पॉजिटिव। एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई रे लेते हो लेंथ को, तो वो भी क्या होगा? पॉजिटिव। एक्स एक्सिस के डाउनवर्ड जो भी लेते हो क्या होगा? नेगेटिव। वाई एक्सिस के इधर जितना भी डिस्टेंसेस मेजर करोगे वो क्या होगा? नेगेटिव। तो यही तो है साइन कन्वेंशन। और लास्ट लास्ट हमारा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपको तो पता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सिर्फ रिमाइंडर कर रहे हैं हम। ये नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, और ये दोनों के बीच में एंगल आई और ये एंगल आर। तो दो लॉज था। पहला लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, दिस इज द फर्स्ट लॉ। एंड सेकेंड लॉ, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आज इस एपिसोड की यही समाप्ति करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग डिफरेंट इमेजेस फॉर्म्ड बाय कंकेव एंड कन्वेक्स मिरर्स पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। थैंक यू।